नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र बचा नहीं है। दीपक जोशी की कांग्रेस में आने की अटकलों पर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी को कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिलेगा। कांग्रेस पार्टी दीपक जोशी का पूरा ख्याल रखेगी। जिस व्यक्ति के पिता ने पार्टी को सींच कर आज इस लायक बनाया कि वो सत्ता में है, उसका अपमान हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि और भी नेता हमारे संपर्क में हैं जो पार्टी छोड़कर गए थे, उसमें कुछ विधायक भी मेरे संपर्क में हैं। पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी के पूर्व मंत्रियों का कांग्रेस का दामन थामने की अटकलों पर गोविंद सिंह ने कहा कि वह लोग भी हमारे संपर्क में हैं, उनकी कुछ डिमांड है, उसके बारे में मैंने कमलनाथ जी को बता दिया है, वह चर्चा करेंगे। डॉक्टर जी कह रहे हैं कि स्ट्राइक वाले हमने वापस ले लिए, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे। मैं मध्य प्रदेश के सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम जो शासन न्यायालयों की धज्जियाँ उड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने न्यायालय का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अपनी हड़ताल तत्काल वापस ली। लेकिन सरकार के चिकित्सा मंत्री और सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन की पूर्ति न करके धज्जियाँ उड़ाने का काम किया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के चिकित्सक उन्होंने तय किया है कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, सास की सेवा से अलग हो जाएंगे। ये स्थिति मध्य प्रदेश की सरकार की नाकामयाबी है और वो उनकी जो मांगे हैं चिकित्सकों की वो उचित हैं, एक भी मांग उनमें अनुचित नहीं है। हर विभाग में विभाग के अधिकारियों का अपमान करके राज्य प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बैठाल कर उनसे मनमानी तरीके से सीधी वसूली की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अतः हमारा कहना है कि उनकी तत्काल मांगें स्वीकार की जाएं, अन्यथा प्रदेश के करोड़ों लोगों का जीवन संकट में हो जाएगा। कई लोग एक दिन की हड़ताल में भी कई लोगों की मृत्यु के समाचार मरीजों की मिले हैं। सरकार को इस बात को तत्काल चिकित्सकों की मांग स्वीकार करें, मैं उनका और समर्थन करता हूँ। तमाम विरोधी दल विपक्षी दल उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई, दरअसल अपनी मांग कर रहे थे। लोकतंत्र बचा कहाँ है? लोकतंत्र का तो गला घुट चुका है इस देश में। आज न तो व्यक्ति की आज़ादी वाणी स्वतंत्रता है, ना आज पत्रकारों पर अपने लेखनी पर स्वतंत्र हैं। अगर कोई लेखनी लिखता है बोलता है तो उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं। मोदी के राज्य से हिंदुस्तान के आज़ादी से 75 साल तक जितने पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए कार्रवाई नहीं हुई, उससे ज़्यादा 10 गुनी कार्रवाई मोदी के राज्य में हो चुकी है। न्यायालय का सम्मान नहीं किया जाता, न्यायालय के आदेश की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और जो न्याय की बात असास के अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करना चाहता है उसको प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, वो असमाज तत्वों को पालकर उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। पार्टी का तो एक ही काम है, भोजन बैठक और विश्राम। रोजाना बैठक करना, बूथ विजय नहीं बूथ पराजय सम्मान के लिए निकल रहे हैं। जनता साथ दे नहीं रही। हमारे कई हैं जानकारी जिलों की मिली है कि अभी और अभियान में गए थे, लोगों ने काले झंडे दिखाए, विधायकों का सुनने को तैयार नहीं है। जब जनता का जनमानस उनके खिलाफ हो गया है, हर वर्ग को इन शोषण और भ्रष्टाचार के गर्त में डाल दिया है, तो ऐसी विजय संकल्प
चलाएं अपना मन भरने के लिए करें। पैसा नाप साफ इकट्ठा कर रखा है चंदे के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, और सरकार के बजट भी का हिस्सा लिया सरकार में के द्वारा पार्टी के लिए लिया जाता है। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को पार्टी का कार्यकर्ता बनाने के लिए दबाव डाला जाता है। तमाम अधिकारी कर्मचारी अपनी व्यथा मुझसे जब मिलती हैं तो बताते हैं। दीपक जोशी का कांग्रेस में सम्मान है और मैं उनको बधाई देता हूँ। उनने देर में आए लेकिन निर्णय उन्होंने जो लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध में लिया है। भारतीय जनता पार्टी में जिस व्यक्ति के पिता ने जिस पार्टी को सींच कर आज इस लायक बनाना है कि सत्ता सुख भोग रहे लोग बैठे, उनके परिवार के उनके पुत्रों को इस तरह का अपमानित करना, आत्मा को ठेस पहुँचना और उनकी इज्जत को जलालत के रूप में दिखाना, ये उचित नहीं है। मैं तो कहता हूँ दीपक जोशी जी ने जो निर्णय लिया है बहुत बहुत उन्हें बधाई धन्यवाद देता हूँ। आए कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है और कांग्रेस पार्टी अपने दल में आने पर उनका पूरा मान सम्मान का ख्याल रखेगी। कई लोग हमारे भी टच में आए जो छोड़ के गए थे पार्टी में छुरा मार के, उनमें 3-4 विधायक मेरे से मिले आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने जो ग्वालियर संभाग के इतिहास को दोहराया है, पीठ में छुरा मारने का काम किया है, ऐसे लोगों को पार्टी में हमारे दल का निर्णय है इनको वापस मिल जाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।